गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बच्चों आज हम करेंगे क्लास सेवेंथ। हमारा जो इंग्लिश सब्जेक्ट है, क्लास सेवेंथ का सब्जेक्ट इंग्लिश, और हमारा लेसन होगा फर्स्ट लेसन। बेटा ये हनीकॉम बुक का है आपका, और फर्स्ट लेसन जो है इसका नाम क्या है हमारा, तीन क्वेश्चन। बच्चों इस लेसन में जो जो मेन पार्ट है बच्चों वो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। अभी हम इनके बारे में पूरी कहानी सुनेंगे। आज हम कहानी करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, क्योंकि जब आपको कहानी पता चलेगी तो आपको क्वेश्चन आंसर करने में आसानी होगी। तो देखिए बच्चों, इस स्टोरी में हमारे पास क्या क्या होता है। सबसे पहले ये कहानी जो है, जो हमारा लेसन फर्स्ट है, थ्री क्वेश्चन, ये कहानी एक राजा के बारे में है। एक राजा जो कि ये चाहता है कि मैं जिंदगी में कभी फेल ही ना हूँ, मुझे ऐसा कोई मंत्र मिल जाए, ऐसी कोई मुझे सवालों के मेरे जवाब मिल जाए जिन जवाबों को मद्देनजर रखते मैं कभी जिंदगी में फेल ना हूँ, इनकी हमेशा मेरी जीत होती रहे। तो वो सब कैसे होगा? राजा ने आइडिया लगाया कि अगर मुझे मेरे तीन प्रश्नों का जवाब मिल जाए, मेरे तीन क्वेश्चंस का जवाब मिल जाए, तो उन तीनों आंसर से मैं इस दुनिया में जीत हासिल कर लूँगा। उसके बाद मतलब मुझे दुनिया में कोई चीज़ रहेगी नहीं सीखने के लिए, तो मैं हमेशा जीतता रहूँगा, कभी फेल नहीं होगा। तो बच्चों ध्यान से सुनना, इस पे क्वेश्चन बनेगा कि राजा अपने तीनों क्वेश्चनों के आंसर क्यों चाहता था। तो अब मैंने आपको बताया है कि क्यों चाहता था राजा, क्योंकि राजा चाहता था कि वो जो है हमेशा जिंदगी में जीतता ही रहे, कभी भी फेल ना हो। तो बच्चों हमारे जो कल मैं क्वेश्चंस की वीडियो आपके लिए बनाऊंगी, कल क्वेश्चंस की वीडियो में हमारे यही चीज़ रहेगी कि कैसे आज हम जो लेसन पढ़ेंगे उसमें हम जो करेक्टर्स पढ़ेंगे उन करेक्टर्स का उस लेसन की स्टोरी में क्या रोल होगा। तो इसीलिए बच्चों आपको स्टोरी बड़े ध्यान से समझनी है, बस यही डिटेल है इसकी। अगर आप इन पॉइंट्स को समझ जाते हो तो आपके लिए स्टोरी बहुत ही इजी हो जाती है, और अगर आपको स्टोरी पता है तो बच्चों क्वेश्चन आंसर बहुत ही इजी हो जाते हैं। तो मैं बीच बीच में बताती भी रहूंगी कि इस लेसन में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सबसे पहला तो मैंने आपको करेक्टर किंग के बारे में ही बता दिया है कि किंग क्या है। किंग इस कहानी का एक हीरो, आप मान लीजिए किंग एक हीरो है, और वो अपने तीन क्वेश्चनों का आंसर चाहता है। अब वो तीन क्वेश्चन कौन कौन से हैं और उनके आंसर उसको कैसे मिलते हैं, वो सब हम इस कहानी में पढ़ेंगे। तो देखिए जो राजा है वो क्या कहता है अपने काउंसलर्स को, क्या कहता है अपने सभापति, जो राजा के आपने बच्चों फिल्मों में देखा होगा कि राजा बैठे रहते हैं और उसके जो है सामने उसके एक पूरे के पूरे काउंसलर्स, उसके जो सभापति बैठे होते हैं, तो वो उनको बोलता है कि आप मुझे मेरे तीन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अब वो जो सभापति होते हैं बच्चों वो क्या कहते हैं, कोई कुछ आंसर दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, राजा सेटिस्फाई नहीं होते। वो कहते नहीं, मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, ऐसा करो मैसेंजर को भेजो और ये ना पूरे शहर में एक तरह से ये ऐलान करवा दो कि राजा के इन तीन क्वेश्चनों का आंसर जो देगा राजा उनको इनाम देंगे। तो एक तरह से जो मैसेंजर होते हैं बच्चों, मैसेंजर, आप ये देखो मैंने इस करेक्टर का नाम ले लिया है बच्चों, मैसेंजर, मैसेंजर जो होते हैं बच्चों वो मैसेज देने वाले, राजा का मैसेज नगर में नगरवासियों को देने वाले। जब आपने, अगर आप में से कोई बच्चे गांव में रहते तो आपने देखा भी होगा क्या करते हैं, एक बड़ा सा ढोल जो अपने गले में लगा लेते हैं और उसको बजाते रहते हैं और वो अनाउंस करते रहते हैं कि राजा जी ने ये कहा है। आज भी गाँव में तो ये सब चलता है। तो बच्चे जो मैसेंजर होता है, मैसेंजर कौन है, राजा का भेजा हुआ मैसेंजर है जो नगरवासियों को ये बोलने के लिए गया है कि जो भी राजा के तीन प्रश्नों का आंसर देंगे, तीन क्वेश्चंस का आंसर देगा, राजा उसको प्राइज देगा। अब वो तीन क्वेश्चन कौन से हैं बच्चों, ये मैंने लिख दिए हैं, तीनों क्वेश्चन मैंने लिख रखे हैं यहाँ पे। राजा मैसेंजर को भेजता है नगर में कि जो भी मेरे इन तीन प्रश्नों का उत्तर देगा मैं उसको इनाम दूंगा। अब वो राजा के तीन प्रश्न कौन कौन से हैं एक बार हम पढ़ लेते हैं बच्चों उनको। फर्स्ट क्वेश्चन है, राजा पूछना चाह रहे हैं व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, व्हाट इज द राइट टाइम, कि कोई भी काम शुरू करने का सही समय क्या है।
इस दुनिया में कोई भी काम करने का बिल्कुल सही समय क्या है, मुझे उसका जवाब चाहिए। क्योंकि राजा को लगता है अगर मुझे सही समय पता चल गया तो मैं उसी टाइम पे काम किया करूँगा और मेरा काम कभी भी विफल नहीं होगा। तो इसलिए पहला क्वेश्चन उसका यही है कि व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, कि कुछ भी काम शुरू करने के लिए सही समय क्या है, पहला क्वेश्चन ये है। राजा का दूसरा क्वेश्चन क्या है बच्चों, वो देखो, Which people should he listen to? कि वो कौन सा व्यक्ति है जिसे उसको सुनना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि राजा पूछना चाह रहे हैं इस दुनिया में सबसे अहम व्यक्ति कौन है, सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन कौन है कि जिसको जिसकी मैं बातें सुनूं। अब कोई भी मुझे रोक लेता है, राजा जी मेरी सुन लो, मेरी कहानी सुन लो, मेरी कहानी, तो मुझे ये बता दो इस दुनिया में वो कौन सा एक इंसान है जिसकी बातें मुझे सुननी चाहिए, तो वो कौन सा इम्पोर्टेंट व्यक्ति है। क्लियर हो गया बच्चों? उसके बाद तीसरा क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन बच्चों, व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू। सबसे इम्पोर्टेंट थिंग यानी कि राजा पूछना चाह रहे हैं कि करने के लिए कौन सा काम सबसे जरूरी है। कोई भी काम मैं जो करूं तो मुझे ये पता चल जाए ये जरूरी है कि नहीं है। तो पूछना चाह रहे हैं इस दुनिया में कौन सा कार्य सबसे जरूरी है, इम्पोर्टेंट थिंग क्या है इस दुनिया में, मुझे इन तीन सवालों के जवाब चाहिए। पहला सवाल कि सही समय क्या है किसी काम को करने का, दूसरा वो सही इंसान कौन सा है जिसका मैं काम करूं, और तीसरा वो काम क्या है जो मैं करूं। समय, व्यक्ति और काम, ये तीन क्वेश्चन है बच्चों के। ये तीन क्वेश्चनों का आंसर राजा जानना चाहते हैं, जिसके लिए वो मैसेंजर को नगर में भेजते हैं कि लोगों से पूछो कि जो भी मुझे तीन सवालों का सही जवाब देगा मैं उसको इनाम दूंगा। तो उसके लिए बच्चों अलग अलग लोग आते हैं, अलग अलग कहीं कहीं से लोग आते हैं और अपने जवाब देते हैं। अब वो जवाब क्या देते हैं आप ये देखो, मैंने यहाँ पर बच्चों यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों क्वेश्चनों के लिए अभी इनकी केवल यहाँ पर सीरीज लिख दी है कि फर्स्ट क्वेश्चन के लिए उनको आंसर मिलता है मैजिशियन, सेकंड के लिए उनको काउंसलर, प्रीस्ट और डॉक्टर्स, और थर्ड के लिए उन्हें साइंस, पार्टी, रिलीजियस वर्शिप, इस तरह से उनको आंसर मिलते हैं। तो ये कैसे मिलते हैं वही हम समझते हैं। एक बार फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन्होंने कहा है कि कोई भी, व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, कि कोई भी काम शुरू करने के लिए सही समय क्या है। तो जो लोग जो नगरवासी वहां पर आते हैं महल में, वो क्या कहते हैं कि ये बात तो आपको कोई जादूगर नहीं बता सकता है, क्योंकि सही समय क्या है वो तो आने वाला समय ही बताएगा, और आने वाले समय क्या है फ्यूचर, और फ्यूचर कौन बता सकता है, कौन प्रेडिक्ट कर सकता है, कोई जादूगर ही बता सकता है तो आपको कि आगे के टाइम में क्या होने वाला है। तो नगरवासियों में से एक ने क्या कहा कि आप मैजिशियन के पास जाइए, आपको पहले क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा। लेकिन राजा सेटिस्फाई नहीं हुए। दूसरा क्वेश्चन उन्होंने कहा कि मुझे किस व्यक्ति की बात सुननी चाहिए, कौन सा व्यक्ति ऐसा इंपॉर्टेंट है जिसकी मुझे बातें सुननी चाहिए। तो उसके लिए उनको आंसर मिला कि आपको अपने काउंसलर्स की सुननी चाहिए जो आपके सभापति हैं, आपने बड़े चुन चुन के सभापति रख रखे हैं। और लोगों ने बताया कि आपको प्रीस्ट की सुननी चाहिए, पुजारी की सुननी चाहिए, और किसी की नहीं सुननी चाहिए क्योंकि वो भगवान के बहुत नजदीक होते हैं, तो आपको पुजारी की सुननी चाहिए। किसी ने कहा आपको डॉक्टर्स की सुननी चाहिए, अगर आप डॉक्टर की मानोगे तो आप स्वस्थ रहोगे, और स्वस्थ रहोगे तो अच्छा राज करोगे। तो इस तरह से अलग अलग लोगों ने अलग अलग व्यूज दी। कोई कहता है काउंसलर्स की सुनो, कोई कहता है प्रीस्ट की सुनो, कोई कहता है डॉक्टर्स की सुनो, लेकिन राजा जो है वो इनसे भी सेटिस्फाइड नहीं हुए थे। थर्ड क्वेश्चन जो था, व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, कि सबसे ज्यादा अच्छा काम क्या है करने के लिए। तो उसके आंसर में जो नगरवासी थे वो क्या क्या अलग अलग व्यूज देते हैं। कोई कहता है कि साइंस, विज्ञान आप पढ़िए, विज्ञान का काम कीजिए, विज्ञान से रिलेटेड काम कीजिए, तो आपको यही काम जो है सफलता दिलाएगा। कोई कहता है कि फाइटिंग, आप युद्ध कीजिए, दूसरे राज्यों पे, दूसरे देशों पे आप युद्ध कीजिए, जीतोगे तो आपकी शान शौकत बढ़ेगी, आपका धन बढ़ेगा, तो फाइटिंग मुझे लगता है सबसे जरूरी काम है आपके लिए।
कुछ कहते हैं नहीं नहीं आप रिलीजियस वर्शिप कीजिए, आप धार्मिक काम कीजिए, क्योंकि धार्मिक काम अगर आप करते हो तो भगवान खुश होंगे, और भगवान खुश होंगे तो आपको धन देंगे, आपको संपदा देंगे। तो इस तरह से अलग अलग लोगों ने, किसी ने कहा साइंस का काम करो, किसी ने फाइटिंग का, किसी ने रिलीजियस वर्क का, लेकिन राजा फिर भी संतुष्ट नहीं हुए। अब इन तीनों प्रश्नों के ये तीन जवाब पाकर राजा संतुष्ट नहीं हुए बच्चों, क्योंकि क्वेश्चन में आएगा कि इन तीनों का जवाब सही क्या था, एक्यूरेट। तो एक्यूरेट जवाब उनको कहाँ पर मिलता है, वो एक हर्मिट के पास जाते हैं। बेटा हर्मिट, हर्मिट कौन होता है, ये बड़ा ही अच्छा रोल प्ले कर रहा है हर्मिट यहाँ पर। हर्मिट एक साधु होता है बेटा, साधु जो जंगलों में एक कुटिया डालकर यहाँ पर रह रहा था इस लेसन के अकॉर्डिंग। साधु आपने देखा होगा भगवा कपड़े पहनते हैं, हल्के से ऑरेंज शेड के कपड़े पहनते हैं, और वो बेचारे जो है या तो आपको मंदिरों के आसपास मिल जाएंगे, या फिर आपको अगर आप कुरुक्षेत्र में देखते हो तो ब्रह्म सरोवर में बहुत सारे साधु आपको मिल जाएंगे। तो इस तरह का साधु यहाँ पर एक करेक्टर के रूप में आया हुआ है, और वो जो हर्मिट है, जो साधु है इस लेसन में, वो जंगल में कुटिया बनाकर वहां पे रह रहे हैं। तो राजा को जब अपनी संतुष्टि नहीं हुई इन आंसर से, वो क्या करते हैं, वो जंगल में निकल जाते हैं। कोई उनको बताता है कि आपके, अगर आप संतुष्ट नहीं हुए तो आपके सवालों का जवाब आप जंगल में जाइए, वहां साधु से ही मिलेगा। तो वो वहां चले जाते हैं, वो साधु से मिलते हैं जाकर, लेकिन वो साधु क्या करते हैं, उनको काफी देर तक कोई जवाब नहीं देते। वो पूछते रहते हैं लेकिन वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देते, और वो उस वक्त क्या कर रहे होते हैं, वो अपनी जैसे छोटी छोटी एक क्यारियां होती है बच्चे, जैसे खेत बड़े होते हैं, लेकिन अगर हम कुछ कम अपना मैटर है, जैसे छोटी छोटी चीजें, धनिया पुदीना वगैरह बोने के लिए हम अपने घर में भी एक हल थोड़ा सा एक क्यारी बना लेते हैं उसमें कुछ बोने के लिए, तो वैसे ही अपनी क्यारियां बना रहे थे, या वो खेत में लगा लो या फिर छोटी सी जगह भी लगा लो, तो वो क्यारियां बना रहे थे। तो राजा जी बोले लो मैं कर देता हूँ आपका काम, आप मुझे इतनी जवाब दे दो। वो बोले ठीक है करो आप काम। और वहां पर राजा राजा बन के नहीं गए थे, साधारण कपड़ों में गए थे बिल्कुल। तो बच्चों दिन हो गया, रात हो गई, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। राजा जी को गुस्सा भी आया लेकिन वो शांत रहे। इतने में ही एक घायल व्यक्ति, बड़ी बड़ी सी दाढ़ी थी उस आदमी की, एक बियर्डेड मैन, यहाँ पर एक लास्ट करेक्टर है बच्चों जो इम्पोर्टेंट है ये भी, एक बियर्डेड मैन जो है उसके पेट में चाकू लगा हुआ था, वो घायल था, और वो दौड़ता हुआ साधु की कुटिया के पास आता है कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, खून से लथपथ अपने पेट को पकड़े हुए। राजा और साधु उसको देखते हैं, वो जल्दी से उसको पकड़ते हैं, उसको राजा जी क्या करते हैं, अपना रुमाल निकालते हैं और उससे उसके घाव को पोंछते हैं। जब तक पोंछते रहते हैं जब तक उसकी ब्लीडिंग बंद नहीं हो जाती, खून आना बंद नहीं हो जाता, और जब खून आना बंद हो जाता है तो वो क्या करते हैं, अपने ही किसी कपड़े से, जैसे हम गले में डाल लेते हैं गमछा वगैरह, उससे वो उसके पेट पर पट्टी बांध देते हैं। जैसे वो पट्टी बांध के रिलैक्स हो जाते हैं, उसको ठंडा पानी पिलाते हैं, उसको कुटिया के अंदर ले जाते हैं और वहां पे आराम कराते हैं। अब राजा बोलते हैं साधु जी अब तो मुझे आंसर दे दो, कहते तुम्हारा आंसर तुम्हें खुद ही मिल जाएगा, थोड़ा सा और सब्र करो। फिर जैसे ही उस बियर्डेड मैन को, उस दाढ़ी वाले आदमी को, बियर्डेड मैन को होश आता है, तो वो राजा जी से माफी मांगता है। वो कहता है राजा जी मुझे माफ कर दो, मैं तो आपको मारने आया था और आपने उल्टा मुझे बचा लिया। राजा जी सुन के हैरान हो गए कि तुम मुझे क्यों मारने आए थे। तो वो कहता है कि राजा जी मैं आपने कुछ दिनों पहले, कुछ महीनों पहले एक मुजरिम को सजा दी थी फांसी की, और उसकी सारी संपत्ति भी जब्त कर ली थी। वो मुजरिम मेरा भाई था, एक तरह से आपने मेरे भाई को फांसी दी थी और हमारी सारी संपत्ति भी जब्त कर ली थी। तब से ही मैं इस मौके की तलाश में था कि कब मुझे मौका मिले मैं आपको मारूं। अभी भी मैं बाहर छुपा हुआ था आपको मारने के लिए कि जो आपके सैनिक थे, जो आपके साथ आपके बॉडीगार्ड आए हुए थे, उन्होंने मुझे देख लिया और उन्होंने मुझे घायल कर दिया। तो राजा जी बड़े हैरान हुए, कहते ये तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अगर वो निर्दोष था और अगर ऐसा हुआ है। तो इस तरह से बच्चों की कहानी चलती रहती है, और लास्ट में फिर साधु जी जो है वो बताते हैं कि तीन क्वेश्चनों के आंसर सही क्या है। तो बच्चों को क्या कहते हैं, उस बियर्डेड मैन से ही आंसर निकला है। देखिए वो कहते हैं कि सबसे जो सही समय है काम करने का वो क्या है,
वो कहते हैं कि वो वही समय है जो अब है, अभी फिलहाल प्रेजेंट में, क्योंकि जो पास्ट है वो गुजर गया, फ्यूचर का हमें नहीं पता कि हम फ्यूचर में पहुंच पाएंगे कि नहीं। तो आज इसी वक्त यही पल है जो इम्पोर्टेंट है। पहले क्वेश्चन का उनको आंसर मिल गया कि समय कौन सा सही है जो अभी है, जिसमें हम जी रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन, मुझे किस व्यक्ति की मदद करनी चाहिए या मुझे किस व्यक्ति पर ध्यान देना चाहिए? तो उन्होंने कहा, जो व्यक्ति तुम्हारे सामने इस वक्त है वही तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है, उसके अलावा दुनिया में कोई नहीं। क्योंकि नहीं पता कि फ्यूचर में अगले ही पल तुम जिंदा रह पाओगे कि नहीं रह पाओगे, फ्यूचर का नहीं पता, लेकिन जो व्यक्ति तुम्हारे सामने इस वक्त है, चाहे उसको मदद की जरूरत हो, चाहे वो आपको सलाह दे रहा हो, वही व्यक्ति दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट है आपके लिए। बस उसी पे कंसंट्रेट करो, दुनिया को भूल जाओ, तभी आप अच्छी जिंदगी जी पाओगे। राजा जी सहमत हो गए। तीसरा क्वेश्चन था, व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर यू टू डू, कि सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है? तो उन्होंने बोला, जिस वक्त तुम जी रहे हो प्रेजेंट में ही, जो काम तुम्हें सामने तुम्हारे दिखाई दे रहा है, जैसे अभी तुमने क्या काम किया, एक घायल व्यक्ति की मदद की, यही काम दुनिया में सबसे जरूरी था, क्योंकि अगर तुम इसकी मदद ना करते तो ये मर जाता। तो इस दुनिया में हर कोई किसी न किसी उद्देश्य से आया हुआ है, सभी का एक उद्देश्य है जीवन में आने का। तो अगर भगवान ने आपको इसी उद्देश्य से भेजा था कि इस व्यक्ति का इलाज आप करोगे, पट्टी आप बांधोगे, तो इससे आपको टलना नहीं चाहिए, तभी ये व्यक्ति आप तक पहुंचा है, ताकि ये अपनी गलती की माफी मांग सके और उसके पाप धो सके। तो बच्चों, काम क्या इम्पोर्टेंट हुआ? जो उस वक्त हम कर रहे हैं, बस वही काम जो हमारे नजरों के सामने है, जो हमारे लिए जरूरी है, जिस उद्देश्य के लिए उस वक्त कोई व्यक्ति हमारे पास आता है। तो बच्चों, इस तरह से वो तीनों क्वेश्चनों के उनको जवाब लास्ट में हर्मिट के द्वारा मिलते हैं। तो इस तरह से बच्चों आपने देखा कि इन्हीं जो ये मैंने टॉपिक्स लिखे हैं, इन टॉपिक्स से ही हमारे पूरी लेसन की कहानी बन जाती है। बच्चों, इस कहानी को बड़े ध्यान से सुनना, कल जो नेक्स्ट वीडियो बनेगी बच्चों, वो इसी लेसन से रिलेटेड क्वेश्चंस ही बनेगी, क्वेश्चन आंसर मैं समझाऊंगी और साथ में आपको एक पिक भी भेज दूंगी उन क्वेश्चन आंसर्स की, ताकि आप एक दिन पहले रीड कर लो। अगर कोई डाउट होगा तो हम जो हफ्ते में लाइव क्लास लेंगे उसमें हम अपनी डाउट क्लास लेंगे, उसमें आप अपने डाउट पूछ सकते हो, उससे पहले आप रिटर्न में उनको रखना अपने पास। ठीक है बच्चों, तो ये थी हमारी फर्स्ट लेसन की स्टोरी। थैंक यू।